जब भी C-17 किसी दूसरे देश में उतरता है, लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि भारत आ गया है, भारत की फौजें आ गई हैं, अब मदद ज़रूर मिलेगी। देखिए, काम सब करते हैं, बट अगर कोई वो भी प्रधानमंत्री जैसा शख्स अगर आकर आपको प्रोत्साहित करे इस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली आप सबका मनोबल बढ़ता है और आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं आगे से फिर से ये काम करने के लिए। एयरपोर्ट से हम वापस आ रहे थे तो हम सबके आंखों में आंसू थे कि हम वहाँ जो लोगों के साथ बॉन्ड बनाया उनसे जुदा हुए हैं, तो उनको छोड़ते हुए हमें दुख हो रहा था क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारे बहुत ही करीबी हैं। हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर जो नेशनल एम्बलम लगा था उसके नीचे सब लोग चाह रहे थे कि हमारा सेल्फी हो जाए। प्रधानमंत्री का तो मैं पर्सनली एडमायरर हूँ बहुत ही, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो जितना वो मेहनत करते हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं भी उनकी जैसा मेहनत कर पाऊँ अपने देश के लिए। हम लोगों को देखते ही लोग खड़े होकर के स्वागत करते थे और लोगों के आँखों में जो आंसू होते थे वो नज़र आता था कि हम लोगों के जो हमने काम किया है उनको कितना ज़्यादा एक्सेप्ट किया है। हम उनसे रिलेट कर पा रहे थे और वो हमें अपने एक तरह से देवदूत की तरह हम लोगों को देख रहे थे कि जहाँ पर भी ये लोग हैं तो हमारी पूरी तरह से मदद होगी। जब हमारे देश के मुखिया हमको बुला के सम्मानित कर रहे तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे इस काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो मेरे जैकेट पहन रखी थी अपनी इस वर्दी के यूनिफॉर्म के ऊपर, तो मेरे दाएं साइड में मेरा इंडियन फ्लैग लगा हुआ था जो वर्दी ऊपर, उसमें ऑपरेशन दोस्त लिखा हुआ था, तो बार बार मेरे को वो जैकेट लेने की बोल रहा था कि अपनी जैकेट दे दो। मैंने मना किया कि ये मेरी यूनिफॉर्म है, तो बोला कि आई लाइक योर इंडियन फ्लैग एंड आई रेस्पेक्ट इंडियन फ्लैग। प्रधानमंत्री जी ने जो समय दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और जिस तरह से ये हर चीज़ को लेकर के इतने संजीदा हैं उसको देख करके हमको भी बड़ा उत्साह रहता है कि हम अपने देश का नाम रोशन करें। हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत हमने अर्थक्वेक के 80 घंटे बाद और 104 घंटे के बाद दो बच्चियों को जिंदा रबल्स के बीच में से बचाया, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और वहाँ हमारे काम की और हमारे जो वैल्यू सिस्टम है हमारी सभ्यता की, वो वहाँ पर इतनी तारीफ हुई कि हर कोई चाहता था कि हम किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान से जुड़े।